क्लाइंट को थोड़ा सा कुछ यूनिक लुक चाहिए था, इनको था कि ये वाला पोर्शन जब हम यहाँ पे बैठेंगे तो एक अलग ही हाईलाइट होना चाहिए, ठीक है। तो इसपे हमने कुछ आर्ट वर्क इस तरह का किया हुआ है जिससे इसकी डिस्टरबेंस भी नीचे ना और नीचे की डिस्टरबेंस जी 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 और इसको ब्यूटीफाई भी हो जाए, क्योंकि आप देख सकते हो कि इसकी हाइट कितनी ज्यादा है। मुझे लग रहा है पूरी छत तक हाइट है जी, पूरी छत तक जो भी हाइट बनती है जी, इसकी पूरी सीलिंग तक हाइट है। और सीलिंग तक हाइट में हमने अब क्लाइंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट कहते हैं कि उनको मंदिर का कुछ एंट्री वाला पोर्शन चाहिए, बाकी सब वो चाह रहे थे कि वो एरिया कवर्ड हो। ये अपने आप में बहुत हमारा यूनिक काम है, क्योंकि इस डिजाइन में ग्लास को इंस्टॉल करना इजी टास्क नहीं है, बट हमने इस टास्क को बहुत ही ईमानदारी से और बहुत सफाई के साथ किया हुआ। एक बार फिर से सभी व्यूअर्स का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फाउंडेशन ब्रिक ऑफ इंडिया में। आ जाएं हम एक साइट पे जहाँ पे हमारे एक सर्विस प्रोवाइडर हैं एंजल ग्लास एंड सॉल्यूशन, जिन्होंने अपनी सर्विसेज यहाँ पर दी हैं और सारा ग्लास का काम, इसमें रेलिंग, विंडोज़ और लेकर कई तरह के ग्लासेस हैं जो उन्होंने यहाँ पे काम को किया है। तो आज मिलवाते हैं आपको एंजल ग्लास एंड सॉल्यूशन के ओनर मिस्टर विशाल जी से। तो आइए मिलते हैं। विशाल जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए। ठीक है, बहुत बढ़िया चल रहा है। तो विशाल जी, आपने इस घर में सारी अपनी सर्विसेज दी हैं ग्लास से रिलेटेड? जी, इसमें ग्लास का सारा वर्क मेरे ही हुआ है। किस किस ग्लास में क्या क्या चीजें आप किस किस में वर्क करते हैं? जी जी जी, मैं आपको थोड़ा दिखा के बताऊँ। हाँ बिल्कुल सर, आपका काम भी देखते हैं, विशाल जी का काम भी देखते हैं साथ में। मैं आपको उसके साथ साथ थोड़ा गाइड भी करते जाऊंगा। ये हमारा विंडोज का ग्लास। ओके, यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि क्लाइंट ने इसमें कोई ग्रिल नहीं लगवाई हुई, तो उसके मन में रहता है कि यहाँ पे ग्लास सेफ रहेगा या नहीं रहेगा। तो फिर हमारी उसे रिकमेंडेशन रहती है कि अगर आप ग्रिल नहीं यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आप सेफ्टी ग्लास यूज करो। ठीक है, सेफ्टी ग्लास में भी हम इसकी अपनी सब कैटेगरी बताते हैं उन्हें कि आप हीट स्ट्रेंथन ग्लास यूज करो। उसका हमें बेनिफिट क्या मिलता है कि अगर कोई ग्लास ब्रेक करने की कोशिश करेगा, बेसिकली ग्लास इज अ फ्रेजाइल आइटम, तो ये ब्रेक होएगा बट कोई उसको ब्रेक करके अंदर नहीं जा पाएगा। okay. तो डेट इज वाई हम इसमें रिकमेंड करते हैं कि आप सिक्योरिटी ग्लास लगाइए। यहीं पे अगर हमारी ग्रिल लगी हुई होती तो हम उन्हें कहते हैं अगर आपका बजट है आप लगाइए सेफ्टी ग्लास, नहीं तो अदरवाइज आप टफन के साथ टफन में भी जा सकते हैं। बिल्कुल, वो बेनिफिट उसको इस चीज का मिल जाता है। जी जी, चलिए बहुत बढ़िया। और ये किस चीज में काम किया है विशाल जी आपने? ये हमारा टेक्सचर फ्यूजन का वर्क हुआ है। अच्छा, आप देख सकते हैं कि ब्यूटी को कितना बढ़ा रहा है। यहाँ पे एक्चुअल ब्यूटी इसको हाईलाइट जो कर रहा है वो ग्लास ही कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना शानदार वर्क हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आपने बीच में स्टोन्स का भी बीच में स्टोन भी हमने फीचर ऐड किया हुआ, जिससे ये बहुत ही सुंदर भी यूनिक लग रहा है। और ये थोड़ा सा स्टोन का कलर भी बड़ा यूनिक सा इसमें दिया हुआ है। हाँ जी, बाथरूम आपने ही करवाया है? जी जी जी, सबसे पहले तो हम बाहर से ही देखते हैं बाथरूम। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए कितना प्यारा हमने डिजाइन बनाया हुआ है इसपे। ये बेसिकली पार्टीशन एरिया है जो कि बेडरूम को आपके ड्रेसिंग के साथ डिवाइड कर रहा है। ओके, आप देखिए कितना प्यारा इस पे डिजाइन बना हुआ है। ये आपने इसमें डिजाइनिंग वर्क हमने इसमें डिजाइनिंग वर्क कराया हुआ है। प्लस कंफर्ट के लिए हमने ये ग्लास हिंजेस पे लगवाया हुआ है। अच्छा, ये हिंजेस पे लगा हुआ है। जी जी, क्योंकि स्पेस थोड़ा कम भी है, स्पेस थोड़ा कम भी है यहाँ पे आई थिंक। जी जी, अगर यहाँ पे हम मशीन देते हैं तो फिर उसका उनका एंट्री एरिया बहुत कम हो जाता। तो इसीलिए ये हमने रिकमेंड भी किया क्लाइंट को कि आप मशीन के साथ ना जाके इसमें हिंजेस के साथ जाइए, उनकी कन्वीनियंट के लिए कि अंदर से वो बंद कर सके। हमने यहाँ लॉक भी दिया हुआ है और आप देख सकते हैं हमारा लॉक कितना सुंदर है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये अंदर से अवेलेबल होगा जी लॉक लगाने के लिए। और बहुत लोग बल्कि सा लोग दे देते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं हमारा लोग यहाँ कितना सुंदर हमने दिया हुआ है। वो ये सब एक्सेसरीज आप ही लगाते हैं? जी, ये सब एक्सेसरी हम ही प्रोवाइड करवाते हैं। ये हमारा लुकिंग ग्लास है और आप लुकिंग ग्लास की भी यहाँ पे देख सकते हैं फिनिशिंग कितनी प्यारी लगी हुई है सादे में। ये साइड से साइडों से हमने इसको बेवल्ड करा हुआ है जो कि इसकी ब्यूटी को और बढ़ा रहा है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये भी आपने ये भी फुल मुझे लगता है जी की पूरा स्पेस दिया है। जी जी जी, ये अपने आप में बहुत हमारा यूनिक काम है, क्योंकि इस डिजाइन में ग्लास को इंस्टॉल करना इजी टास्क नहीं है। बट हमने इस टास्क को बहुत ही ईमानदारी से और बहुत सफाई के साथ किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ से आपने इसको
स्केयर पार्ट भी लिया है और नीचे से ऊपर तक एक ही पार्ट में इसको किया भी है। आप देख सकते हैं, अगर आप नीचे से ऊपर तक देखोगे तो इसकी ब्यूटी बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, बहुत बढ़िया आ रही है। जी जी जी। तो ये आपका बाथरूम पार्टीशन जी, ये हमारा बाथरूम पार्टीशन हो गया। इसमें हमने इनके बाथ एरिया को सेग्रीगेट कर दिया है ओके टॉयलेट सीट एरिया से। इसमें क्या होता है कि कई लोग हमसे कंप्लीट डोर के साथ भी फिटिंग करवाते हैं। अच्छा, इसको बंद करवा, इसको बंद भी करवा देते हैं। जैसे यहाँ पे जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी वो थोड़ा सा ओपन स्पेस चाह रहे थे तो उन्होंने यहाँ पे इसको बंद नहीं करवाया, बट कहीं जगह पे मैक्सिमम जगह पे इसको बंद करने की भी रिक्वायरमेंट होती है। कितने एमएम का ग्लास लगाते हैं, टफन ग्लास? हाँ, इसमें थिकनेस अलग अलग रहती है, 8 mm या 10 mm की हम रिकमेंड करते हैं शावर क्यूबिकल में, क्योंकि जो शावर के एक्सेसरी होती है वो 8 या 10 पे प्रॉपरली वर्क करती है। अच्छा, उसी पे वर्क करती है। जी जी। उससे कम थिकनेस तो मेरे ख्याल से बेनिफिट भी नहीं, उससे कम थिकनेस इसमें लग भी नहीं सकती और उससे ज्यादा का बेनिफिट नहीं है, क्योंकि उससे ज्यादा अगर हम लगाएंगे तो वो प्रॉब्लम करेगी। प्रॉब्लम जी 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 जी। और ये किस तरह के ग्लास में काम किया है आपने? ये हमारे सारे बहुत ही प्रीमियम सेगमेंट लेकर ग्लासेस का सेगमेंट है। ये अल्मीराज है जी, और आपका एक चैनल पे आपने लेकर ग्लास जी जी जी। इसमें अल्मीरा के अंदर जो लेकर ग्लास की ब्यूटी आ रही है वो आप देख सकते हैं कि अलग ही उभर के आ रही है, क्योंकि बहुत बढ़िया। बहुत लोग क्या करते हैं इसमें ना, बहुत ऑर्डिनरी से डिजाइन बना लेते हैं, तो ग्लास को भी वो बेसिकली वो लुक ही सारा आउटडेट कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है, लुक ही सारा अपसेट कर देते हैं। बट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके ड्रेसिंग एरिया की ब्यूटी ही सारी एक हाईलाइट अलग से उभर के आ रही है। तो मैं कस्टमर्स को, अपने व्यूअर्स को बोलना भी चाहूंगा कि देखिए आजकल अल्मीराज में भी ग्लास लगने लग गए हैं, जिसको विशाल जी बता रहे हैं कि लेकर ग्लास है, और इससे आपके घर की फिनिश बहुत अच्छी बनती है, आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी है। मैक्सिमम लोग क्या है कि वुडन में काम करा लेते हैं, पर आजकल जो ये नया काम होने लग गया है लेकर ग्लास का आपकी अल्मीराज में, तो आपके बाथरूम की और आपकी कबर्ड की कहीं ना कहीं बहुत अच्छी लुक बढ़ा देते हैं। तो विशाल जी इसमें भी डील करते हैं, विशाल जी का काम आप देख सकते हैं कि विशाल जी ने कितने फिनिश से ये काम किया हुआ है। तो विशाल जी अभी और काम दिखे आपका जो आपने इस घर में किया। और इसका एक और भी स्पेशलाइज है कि इसमें कहीं भी आप आवाज नहीं सुनोगे, साउंड नहीं सुनोगे। हाँ, जब आप, अभी मैंने इसको जब आप, हुआ जी, जब आप स्लाइड करोगे तो किसी तरह का ग्लास की कोई शोर नहीं है और प्ले नहीं है। बिल्कुल कोई शोर नहीं आया जब ये बंद हो रहा है। जी, तो इसको जी, आप पूरा सेटल्ड कर दें फ्रेम के साथ। जी जी जी, बहुत बढ़िया विशाल जी। और वर्क देखा जाए कैसे है जी। अच्छा, ये आपने क्या बात है विशाल जी, ये बड़ा आपका लाइटिंग वाला पोर्शन हमें ग्लास ही ग्लास के अंदर से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये कैसे आपने इसको जी जी जी। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें कहीं पे आपको अंदर में हार्डवेयर भी नहीं दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हो, हमें कुछ अभी तो नहीं समझ आ रहा, आप समझाएंगे तो भी पता लगेगा। इसमें ग्लास का कितना क्रिस्टल क्लियर व्यू है, और आप देख सकते हैं इसके डोर की हाइट में भी आपको कहीं पे कोई ऐसा सेंटर पॉइंट में कहीं पे कोई हार्डवेयर नहीं नजर आ रहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी जी। और आप कितना इजीली इसको आराम से, बहुत आराम से खोल भी सकते हैं और इसको क्लोज भी, बहुत इजीली ही आप इसको बंद भी कर सकते हैं। ओके जी जी जी। और ये जो लाइट इसमें नजर आ रही है विशाल जी, ये लाइट भी आप देख सकते हैं बैक साइड में। जी जी जी, ये हमने ग्लास की बैक साइड में लाइट दी हुई है, और इसमें ये बेसिकली हमने क्या किया है कि इसके स्टोरेज को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए हमने इसमें ग्लास के अलग अलग से शेल्फ दी हुई है। शेल्फ दी हुई है जी जी जी। और इसको और थोड़ा ब्यूटीफाई करने के लिए हमने इसकी बैक साइड में एलईडी लाइट का इफेक्ट ऐड करा, मतलब इसकी बैक साइड में आपने स्ट्रिप लाइट लगा दी जी, और जी, फिर ग्लास की एक सेल्फ डाल दी जी, जो लाइट निकल रही है उसमें से रिफ्लेक्ट होकर जी जी जी। बहुत बढ़िया विशाल जी, ये बहुत यूनिक काम है कि जी, कई लोग इस तरह के सभी काम नहीं कर सकते। और ये किस तरह का ग्लास लगाया है आपने जी? इसमें ये लेकर ग्लास यूज किया हुआ है हमने। अच्छा, ये लेकर ग्लास है, जैसे वहाँ ब्लैक था यहाँ कलर व्हाइट है, यहाँ पे व्हाइट कलर है। और कई लोग क्या करते हैं, कई लोग इसी में डबल डोर बना लेते हैं। अच्छा, उनमें दोनों में ही ग्लास का यूज होता है, इसमें भी जी, उसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। चलिए, जी, तो जी, इस तरह का भी आप सारा प्रोजेक्ट करते हैं, इसमें भी सेम वही, बीच में आपने सेल्फ डाली हुई है जी, ये आप सेल्फ डाल के इसको काम कर सकते हैं। और सेम ऐसे ही हमारा ग्लास वर्क यहाँ पे वॉल पे भी यूज होता है। अच्छा, यहाँ पे भी जी, आजकल लोग यहाँ पे भी, कई लोग डिजिटल प्रिंटिंग कराने लग गए, तो उसमें वो जो भी वेजिटेबल्स की या तरह तरह की जो भी वैरायटी आती है वो इसमें यहाँ स्नैप में तो बनवा के, उसमें कैसे करते हैं विशाल जी, वो क्या इस पत्थर भी लगाते हैं या पत्थर लगाने की जरूरत नहीं? नहीं, उसमें हम क्या करते हैं, उनमें हम पीछे प्लाईबोर्ड लगवा देते हैं, ठीक है, उसके ऊपर हमारा ग्लास पेस्ट हो जाता है, पेस्ट हो जाता है जी, वो भी लेकर ग्लास की एक क्वालिटी हो जाती है जी, टाइप ऑफ लेकर, बट उसे डिजिटल प्रिंटिंग कहते हैं। चलिए, आप जा सकते हैं उसमें लेकर के साथ भी, लेकर के साथ भी जा सकते, लेकर के साथ भी जा सकते। चलिए,
और ये भी लैकर लगाया है विशाल जी आपने डोर के अंदर, ये जो आप डोर के अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं इसमें भी सारा ये व्हाइट लैकर का यूज हुआ है। आप कितना सुंदर डोर लग रहा है आपका, ये आपका व्हाइट लैकर लगा हुआ है, ये सारा लैकर एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास पे बना हुआ है, सारा ब्रांड में है। क्या होता है कि यूजुअली लोग क्या करते हैं कि कोस्ट कटिंग करने के लिए सस्ता देने के लिए क्लियर ग्लास पे लैकर खुद ही करके दे देते हैं, बट हमने स्पेशली सेंट गोबिन का ग्लास यूज करा हुआ है। सेंट गोबिन का रेडीमेड ये आता है जो कि एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास पे व्हाइट होता है, जिसके कारण इसकी ब्यूटी और ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत फिनिशिंग इसी नजर लगती है, इसकी व्हाइटनेस ही बिल्कुल अलग है। क्या बात है। और ये क्या विशाल जी आपने किस तरह का ये लगाया हुआ है? जी ये इनको क्लाइंट को थोड़ा सा कुछ यूनिक लुक चाहिए था, इनको था कि ये वाला पोर्शन जब हम यहाँ पे बैठेंगे तो एक अलग ही हाईलाइट होना चाहिए, ठीक है, तो इसपे हमने कुछ आर्ट वर्क इस तरह का किया हुआ है जिससे इसकी डिस्टरबेंस भी नीचे ना और नीचे की डिस्टरबेंस जी 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 और इसको ब्यूटीफाई भी हो जाए, तो ये हमने इस चीज का मेन ध्यान रखा है। बहुत बढ़िया विशाल जी। तो ये विशाल जी आपने मुझे लगता है मंदिर का एक पार्टीशन किया हुआ है जो मैं देख पा रहा हूँ, जी ऐसा ही कुछ है जी जी, और ये तो आपने प्रॉपर ही पूरा शीशे पे ही स्टेबल किया है, तो अच्छा आप इस तरह का भी बहुत हैवी काम बड़ा इजीली करते हैं। ये अपने आप में एक बहुत यूनिक काम हुआ हुआ है, ओके, क्योंकि आप देख सकते हो कि इसकी हाइट कितनी ज्यादा है। मुझे लग रहा है पूरी छत तक हाइट है जी, पूरी छत तक, 11 फुट जो भी हाइट बनती है जी, इसकी पूरी सीलिंग तक हाइट है, और सीलिंग तक हाइट में हमने अब क्लाइंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट कहते हैं कि उनको मंदिर का कुछ एंट्री वाला पोर्शन चाहिए, बाकी सब वो चाह रहे थे कि वो एरिया कवर्ड हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने ग्लास का कितना बड़ा साइज दिया हुआ है जिसको हमने यहाँ पे फिक्स करा हुआ है, और क्लाइंट की कन्वीनियंट के लिए हमने उनको यहाँ पे एक एंट्रेंस दे दी, तकरीबन 7-7.5 फीट की हाइट की हमने इनको एंट्रेंस दी है जिससे कि उनको कंफर्टेबल रहे अंदर जाने में। और ये आपने वहाँ पे यहाँ पे डोर जी यहाँ पे भी हमने हिंजेस पे दे दिया, हिंजेस पे जी 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 जी, बाद में क्लाइंट यहाँ पे ब्लाइंड वगैरह लगा के इसको थोड़ा कवर भी कर सकते, वो इसको कवर भी कर सकते। ये भी आपने लेकर में ही एक काम किया विशाल जी? जी ये भी कपबोर्ड ही है। अच्छा, और इसमें आप देख सकते हैं कि हमने कितना सुंदर डिजाइन इसमें क्लाइंट को, बहुत बढ़िया लग रहा है विशाल जी, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, और इसकी हाइट भी मैं देख रहा हूँ ज्यादा है जी, इसकी हाइट भी बहुत ज्यादा है, ये फुल हाइट तक ही है, ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट सीलिंग तक ही ज्यादा है बिल्कुल, और इसका आप डिजाइन देखिए प्लस इसकी हाइट देखिए और इसकी और चला के देखिए इसकी स्मूथनेस कितनी है, बहुत बढ़िया। ये सेफ है विशाल जी? जी ये बिल्कुल, लेकर ग्लास लगाना जी ये बिल्कुल सेफ है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की, ओके, और ये सॉफ्ट क्लोज में ही आप लोगों ने ग्लास पूरा प्रोफाइल में लगा के दिया हुआ जी, आपने अभी चला के भी देखा कि कितनी स्मूथनेस थी इसमें, बिल्कुल बिल्कुल, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं लगी। इसमें अलग अलग डिजाइन मिल सकते हैं विशाल जी? जी इसमें हमारे पास बहुत डिजाइन होते हैं, कस्टमाइज करवा सकते हैं जी, कस्टमाइज आप कैसे भी करवा सकते हैं। विशाल जी मैं देख रहा हूँ ये भी आपने बहुत ही बड़ा ग्लास लगाया, ये एक डबल हाइटेड घर है और जिसमें मुझे लग रहा है ये ऊपर शीशा लगा हुआ है जी जी, ये ग्लास ही लगा हुआ है, बिल्कुल सही देख रहे हैं, ये ग्लास लगा हुआ है, बहुत बढ़िया विशाल जी, ये तो मुझे लगता है हम जब ऊपर जाके इस ग्लास को अच्छी तरह से देख भी पाएंगे जी, और मैं आपको थोड़ा सा इसका बता देता हूँ इसका बेनिफिट क्या है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं ये एरिया, अगर यहाँ पे ये ग्लास ना लगता तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक जो नेचुरल लाइट होती है, हाँ एक नेचुरल लाइट ना पड़ती, अच्छा फिर दूसरा बेनिफिट क्या था, अभी यहाँ पे आप अपना इस एरिया को प्रॉपर पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपका पानी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आएगा, नहीं, और दूसरा आपका व्यू आपका OTS ओपन टू स्काई व्यू हो गया बिल्कुल, जिसको हम स्काई लाइट ग्लास भी कहते हैं, तो ये इसके कुछ बहुत ही सुंदर लग रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं जी, है, मैं आपको आपने ग्लास डिस्प्ले किया है जी, बहुत जी, अच्छा लग रहा है, और घर में रोशनी भी बिल्कुल, घर पे रोशनी भी पूरी आ रही है। मैं आपको इसका थोड़ा सा ऊपर जाके फिक्सेशन का भी अभी दिखाऊंगा, हम अपने व्यूअर्स को ऊपर जाके इसको दिखाएंगे कि ये कैसा लगा हुआ है, कितना सिक्योर है जी, और किस तरह से ये काम किया आपने, तो सब आपसे ऊपर पूछेंगे। तो अब हम पहुंच गए हैं इस घर के रूफ टॉप पे जहाँ पे विशाल जी ने ये शीशा लगाया, कितना बड़ा शीशा लगाया विशाल जी आपने, ये तो बहुत ही बड़ा लग रहा है मुझे जी जी, ये वाकई में ही बहुत बड़ा साइज है, ये आप मान के चलो अप्रोक्सीमेट 14 फीट बाय 13 फीट के करीब का ये साइज है, ओके, 14 फीट बाय 13 फीट। इस तरह का ग्लास किस कैटेगरी में लगाते हो आप, ये टफन है क्या है किस चीज का है? जी जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यहाँ पे क्योंकि हमें सेफ्टी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि हमें ये घर का मेन पॉइंट है सेंटर पॉइंट बिल्कुल, तो हमें नीचे से सेफ्टी पूरी चाहिए कि कल को एक्सीडेंटली अगर किसी कारण से ग्लास ब्रेक हो जाए तो किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे, तो हम यहाँ पे सिक्योरिटी ग्लास ही लगाते हैं, और ये भी सिक्योरिटी ग्लास लगा हुआ है। अच्छा, मैं आपको इस पे चल के भी दिखा सकता हूँ, ओके, ये देखिए इस पे हम चल भी सकते हैं कहीं भी कर सकते हैं जी जी, क्या बात है, ये देखिए ग्लास बिल्कुल सेफ है, हम जैसे मर्जी इस पे चले बिल्कुल, और इस पे आप
जैसे मर्जी रहे, कुछ गिर जाए वो भी सेफ है जी, तो ये इस पर्पज से लगाया हुआ है कि जो नीचे लोग हैं, जो डाइनिंग एरिया यूज कर रहे हैं या लोग चल रहे हैं उसको किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, उनको किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। आप सजेशन देंगे कि जब भी इस तरह का बड़ा शीशा लगाए तो सिक्योरिटी ही ग्लास लगाए। मैं आपको अभी कुछ एक हमारा एक बालकनी फ्रंट में जो रेलिंग लगती है ओके, मैं वो भी आपको एक बार दिखाना चाहूंगा। चलिए, इसी घर की ही। अच्छा, इसी घर में आपने एक बालकनी से रिलेटेड लगाया हुआ है, मुझे लग रहा है कि हम देख सकते हैं वो सामने लगा हुआ है। जी जी जी, ये बालकनी ग्लास लगा हुआ है फ्रंट में। इसमें आप देखिए कि हमारा बाहर से जब आप खड़े होकर देखते हैं तो इसमें व्यू बहुत अच्छा आता है। दूसरा, ये बहुत ही कंफर्टेबल है, आप जैसे मर्जी इसके साथ खड़े हो सकते हैं। ये आपका पाइप पीछे लगा हुआ है, इसमें ग्लास की हाइट बिल्कुल लेवल में रखी जी जी, और इसको ब्यूटीफाई करने के लिए हमने इसका पाइप पीछे दिया, पीछे दिया। वैसे हम ऊपर भी देते हैं लेकिन यहाँ पे हमने इसको पीछे करा है। ये क्या लगाया विशाल जी आपने? जी, ये स्टील का ही ग्रिप हैंडल होता है जो कि ग्लास को स्टील के साथ कनेक्ट करता है, जिससे इसकी स्ट्रॉन्गनेस बढ़ जाती है, हिलेगा नहीं। जी, हिलेगा नहीं, इसमें कहीं किसी तरह की प्ले नहीं आएगी। बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये भी आप देख सकते हैं कि ग्रिलिंग का काम भी विशाल जी बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही मॉडर्न तरीके से काम कर रहे हैं। अच्छा, ये विशाल जी आपने जो हम ऊपर ग्रिल देख रहे थे उसी का एक दूसरा पार्ट लगाया हुआ है जिसमें से शीशे में नीचे मुझे गैप भी दिखाई दे रहा है। जी, शीशे में। इसमें क्या है कि हम बहुत इजीली क्लीनिंग भी कर सकते हैं। हाँ। प्लस ये और ज्यादा ब्यूटीफाई हो जाता है ग्लास को। जैसे कहीं को होता है कि नहीं, हमें हार्डवेयर तो इसमें कुछ ना कुछ लगानी है, तो इसमें हमने 9 इंची के पिलर यूज करे जिसे हम स्पाइगेट कहते हैं, तो ये इसकी ब्यूटी को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। और बढ़ा रहा है, और हवा की वेंटिलेशन भी होगी। हवा की वेंटिलेशन भी होगी जी। तो ये शीशे अभी टफन ही लगाते हैं जी? इसमें भी हमने टफन डी 12 mm का टफन हमने इसमें यूज करा हुआ। चलिए, बहुत बढ़िया। ये भी बहुत बड़ा ग्लास लगाया है विशाल जी आपने। ये जी किस तरह का ग्लास है ये पूरा? जी, ये ना हमने क्लाइंट के फ्रंट में ही ये ग्लास लगा हुआ है। ओके। और ये ग्लास भी हमने यहाँ पे, क्योंकि क्लाइंट को ऐसे सेफ्टी पर्पस से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे हमने टफन ग्लास यूज किया है। हाइट पे है जी, काफी भी नहीं हाइट पे है जी। बट यहाँ पे क्या है, भले ग्रिल नहीं लगी हुई है क्योंकि तो ये ना, लेकिन हाइट पे बहुत ज्यादा है, हाइट पे बहुत। तो यहाँ सिक्योरिटी ग्लास की एज सच ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं है। ओके। तो हमने यहाँ पे इसीलिए क्लाइंट की से बात करके रिक्वायरमेंट, एज पर रिक्वायरमेंट जी। बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। कितने बाय कितने ग्लास होगा विशाल जी? ये अप्रोक्सीमेट आप मान के चलो इसका 9 फीट बाय 6 फीट के करीब का ग्लास है। क्या बात है विशाल जी, इसको लगाने में भी मुझे लगता है दिक्कत आई होगी आप लोगों को। जी, ये तो बहुत बढ़िया। ये पूरी हमारी जो टेक्निकल टीम है तो ये सारा आपकी टीम में कितने लोग हैं विशाल जी? हमारी टीम में 7 से 8 लोग हैं। अच्छा, 7 से 8 लोग हैं जो प्रॉपर आपका ये सारा इंस्टॉलेशन साथ में करते हैं। जी, जी, गाइडेंस आपकी हमेशा उनके साथ रहता है। आप ये गेट्स पे आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है इस तरह के ग्लास लगाने का, इसको क्या बोलते हैं? जी, इसको हम ग्लास का लाइट टॉप बोलते हैं। अच्छा, लाइट टॉप। जी, इसमें क्या होता है कि इसके अंदर में लाइट लगी होती है। अच्छा। और बेसिकली ये आपको रात में नाइट इफेक्ट में ज्यादा इसका लाइट का इफेक्ट दिखेगा। इसके अंदर में लाइट लगी हुई है। ये हमने सारा इसको सॉल्यूशन को यूवी रेस के साथ इसको हमने सारा फिक्स किया हुआ है। पानी जाने का कोई चांस? पानी जाने का इसमें कोई चांस नहीं है। और ये आपके घर की फ्रंट की ब्यूटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। चलिए, बहुत बढ़िया है। और ये वही आपका एक प्लेन ग्लास इंस्टॉल किया हुआ जी। यहाँ पे भी हमने इनके इस एरिया को बेस्ट यूटिलाइज करने के लिए यहाँ ग्लास का व्यू दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ग्लास देखने में, बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंसी का व्यू आ रहा है इसमें आपको। तो अब मैं व्यूअर से यही कहना चाहूंगा कि आपने आज सारा, हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं मिस्टर विशाल जी जो कि ओनर हैं एंजल ग्लास सॉल्यूशन, और ये जितने सारे काम जो इन्होंने आज आपको दिखाए हैं, तो आप यहाँ से इन काम को देख के आइडिया लगा सकते हैं कि विशाल जी का काम करने का लेवल क्या है, किस तरह का काम करते हैं, काम की फिनिशिंग क्या है, क्रेडिबिलिटी क्या है। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि FBI की ऐप पर आप जाइए, विशाल जी का स्टोर सर्च करिए, विशाल जी के काम देखिए, अवर वर्क में जाके किस किस तरह के विशाल जी ने काम किए हैं, किस किस प्राइजेस के साथ काम किए हैं, और स्टोर विजिट करने के बाद विशाल जी की सारी डिटेल्स आपको स्टोर पे मिलेंगी। विशाल जी से आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, और विशाल जी आप स्पेशल डिस्काउंट भी दे रहे हैं जी हमारे FBI के थ्रू, जो लोग आपको FBI के थ्रू जो भी हमारे पास आएंगे उनके लिए तो एक्स्ट्रा स्पेशल डिस्काउंट। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब मैं सारे व्यूअर से कहूंगा कि आप आइए, देखिए जब आप किसी का काम देख के आप उसको हायर करते हैं ना अपने काम के लिए, तो आपको फिनिशिंग और काम भी उससे हाई लेवल ही मिलता है, क्योंकि आपने उनका काम देख लिया तो अब आपकी एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा होगी। और विशाल जी की भी कोशिश यही रहती है कि काम और भी अच्छा करके दें, डे बाई डे और अच्छा करें।
क्योंकि इनके पास टीम भी 8-10 लोगों की हमेशा रहती है। तो विशाल जी ने एक चीज भी हमें बताई थी अपने बारे में कि कोई भी काम डिले नहीं होता इनका। जी, और हम उसके साथ ही हमारी कोशिश रहती है कि हम जो भी लेटेस्ट सॉल्यूशन अवेलेबल होता है हम क्लाइंट को वो लेटेस्ट सॉल्यूशन दिखाई कि ये वाला काम इस ढंग से भी किया जा सके। बिल्कुल, इसी के साथ आपसे इजाजत लेते हैं, फिर दोबारा मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार, शुक्रिया।